नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आपको सनी देओल का वो डायलॉग याद है ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वो तो फिल्मी डायलॉग था, लेकिन हकीकत में स्थिति उससे भी बुरी है। और ख़ास तौर से तब जब सामने यदि बड़ा आदमी हो, जिसको अमीर बोलते हैं, पहुंच वाला हो, रसूख वाला हो, तो स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि न्याय मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक यही लागू हो रहा है, वो डायलॉग जो है लागू हो रहा है सलमान खान के मामले में। तारीख पर तारीख, काले हिरण का उन्होंने जो शिकार किया था, उसमें निचली अदालत से 5 साल की सज़ा हुई। मामला पहुंचा सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पे अब तारीख पे तारीख लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछली 2 तारीखों पर डांट पड़ी कि उनको हर हाल में हाजिर होना होगा, फिर भी आज वो हाजिर नहीं हुए। और अब जो है 19 दिसंबर की डेट लग गई है। कितनी डेट लगेगी, कब इस पे फैसला होगा, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि सामने वाला बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर है, बहुत रसूख वाला है। इसी पे चर्चा करेंगे, कब तक तारीख पे तारीख लगती रहेगी। हमारे साथ हैं विजय जी और ओम प्रकाश जी। विजय जी, 20 साल हो गए, 20 साल से कोर्ट में केस चलता रहा है, और सलमान खान अपने मर्जी से जब दया करें, जैसे कि कोर्ट के ऊपर दया कर रहे हैं, ऐसे आते हैं और जाते हैं। तो मुझे ये बात चंद्रस्वामी का केस का याद दिलाता है। जब चंद्रस्वामी को गिरफ्तार किया गया था, वो कोर्ट में पेशी हुए थे, तब वो बैठे हुए थे कोर्ट प्रीमाइसेस में, कोर्ट के अंदर, और उनके साइड में एक बंदा एक चांदी का ग्लास पकड़ के खड़ा था, और चंद्रस्वामी इसमें पानी पी रहे थे और कोर्ट को अपना बात बोल रहे थे। तो ऐसा लग रहा था वो दया करके कोर्ट को बोल रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। तो ये था, तो वो एक गॉडफादर थे, सो कॉल्ड गॉडफादर थे, तो उनका जो अंदाज़ा था, जिस तरह से उनके चेला चपाटे होते हैं, चारों ओर इर्द गिर्द लोग रहते हैं, ऐसे सलमान खान के क्षेत्र में भी वही दिखने के लिए मिलता है। बोले ये वो स्पिरिचुअल सेक्शन से सेक्टर ये लोग थे और ये फिल्म वाले हैं। तो यहाँ पे सीन वही है, उनका शेरू हमेशा आगे खड़े रहते हैं, पीछे 2-3 बॉडीगार्ड रहते हैं, आगे पीछे गाड़ियों का एक लंबा सा काफिला होता है, काफिला होता है। तो ऐसा लगता है कि, और इससे 2 दिन पहले एक ड्रामा शुरू किया गया है कि सलमान खान के जान के ऊपर कोई हमला कर सकता है, उनका जानलेवा हमला हो सकता है। तो पता नहीं, ये शायद इस केस से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया गया है, क्या किया गया है। लेकिन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप 20 साल तक एक केस चलाते रहोगे, तो शायद पता नहीं वो हिरन क्या सोचते होंगे और उनको प्रोटेक्शन देने वाले वैष्णवी कम्युनिटी क्या सोचती होगी। क्या है ओम प्रकाश जी, इसमें सिर्फ एक ही मामला नहीं है, ये इन्होंने काले हिरण का शिकार किया, सोनाली थी, नीलम थे, तब्बू थे, सैफ अली खान थे, बहुत सारे लोग थे। ये इन लोगों को तो संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन इस खास बात ये थी कि जिस पिस्टल और जिस गन से इन्होंने शिकार किया था, उसका लाइसेंस भी नहीं था। तो जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी, उस समय गिरफ्तारी हुई थी, 5 दिन ये जेल में रहे थे, तब पता चला कि ये तो आर्म एक्ट के तहत भी इसमें मामला चलेगा, तो वो भी एक मामला चल रहा है। हाँ, एक के बाद एक, और पहले तो ब्लैक वो जो काला हिरण शिकार मामले से जुड़ा एक था वो केस, उसके बाद फिर आर्म एक्ट का इन पर आरोप लगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो तो चलो अतीत की बात हो गई, हम प्रेजेंट की बात करते हैं। वो अक्सर अपने बिजी होने का बहाना होना के स्किप करते हैं कोर्ट हियरिंग, पिछले कई बार करते आ रहे हैं, इस बार भी उन्होंने बहाना एक तरह से, जब तो चीज़ें सामने नहीं आई हैं, लेकिन माना जा रहा है, सूत्र कहे हैं, चाहे जो भी रिपोर्ट चल रही है, यही कि वो अभी दबंग 3 की शूटिंग में बिजी हैं, बिग बॉस शुरू होने वाला है, ये लेकिन बहाने। तो यानी कि यहाँ की व्यवस्था सिस्टम से वो ऊपर है ना भाई, हम अपने निजी काम में बिजी हैं, ठीक है, हम न्यायिक व्यवस्था का या अदालत का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हम अपना काम निपटा लें। लेकिन यहीं पर यदि कोई गरीब आदमी होता, तो कोई आम आदमी होता, तो उसके बाद फिर वो तारीख के विपरीत होता है, तारीख में सारे मामले, फिर नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता, फिर कहा जाता है कि उनको ले आइए, ये सारी चीज़ें होती। इसकी इस वजह से सलमान खान की काफ़ी आलोचना भी होती है कि उनका कद इतना ऊंचा है कि लगता है कि वो अपने अनुसार न्याय की परिभाषा तय करते हैं कि कब हमें, अगर जेल जाना भी है तो कब जाना है चाहिए, ये सारी चीज़ें। इस केस में भी वही हो रहा है। अब सिर्फ उनके उन्हीं के साथ नहीं है कि वही सिर्फ ये करते हैं, उनके साथ जो लोग रहते हैं ना, वो भी दबंगई करते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, आज ही की घटना है, कि उनका एक बॉडीगार्ड रहा था, वो इतना उत्तेजित हो गया कि गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दिया, फिर पुलिस बुलानी पड़ी, फिर उसको जाल डाल करके पकड़ना पड़ा है। आज ही की एक खबर है। हाँ, ये बताया जा रहा है कि उसको स्टेरॉयड ज़्यादा हो गया था, इसी वजह से उसने हंगामा कर दिया। तो ये जब उनका एक्टर का बॉडीगार्ड को स्टेरॉयड ज़्यादा हो जाता है, वो किसी के ऊपर हमला कर सकता है। जब एक्टर को शराब का नशा ज़्यादा हो जाता है, किसी को मार के भी भाग सकता है, हिट एंड रन केस कर सकता है। और सलमान खान जो अक्यूज्ड थे इसके हिट एंड रन केस में, वहाँ कुछ नहीं हुआ, और वो जो जिनका विक्टिम है वो भी बाद में होस्टाइल हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कल अगर दिसंबर 19 को अगर सलमान खान को कोर्ट को बुलाया जाता है, सलमान खान ये भी बोल सकते हैं बिग बॉस के शूटिंग के तहत मैं नहीं आ सकता, क्योंकि ह्यूमन इंटरेस्ट एंगल है, 200 लोग शूटिंग सेट में लगे हुए हैं, उनका रोजी रोटी का क्या होगा। तो
मतलब ये बड़ा मजाक बनता जा रहा है जुडिशियल सिस्टम का इंडिया में, कि जब चाहे तब आप किसी भी मर्जी में, जैसे हमारा पॉलिटिकल लोग पहले से ठीक ठाक होंगे, जब जेल जाने का टाइम आ जाएगा उनका हार्ट अटैक आ जाता है और मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। अभी देखिए चिन्मयानंद का, लड़की जेल में है और वो एसी कमरे में इलाज करा रहे हैं। वो तो ये पहले बोल रहे कि हार्ट का बीमारी है मुझे, लेकिन मैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट कराऊंगा, और उनका जिद भी देखिए कैसे। तो ये जुडिशियल सिस्टम को गुमराह करने के लिए इनके पास बहुत सारे तरीके हैं, और काले कोट पहनने वाले, काले को सफ़ेद करने वाले, सफ़ेद को काला करने वाले लोग भी उनके पास मौजूद है, और सबसे बड़ा बात उनके पास पैसा है। और तीसरा बात जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हमारा देश में अंधे फैंस हैं, भाईजान हमारा सही है, भाईजान चाहे लाख जुर्म करें लेकिन बीइंग ह्यूमन के आड़ के पीछे छुप जाएंगे। पिछली बार भी जब वो हियरिंग हुई थी जोधपुर में, वो चाहे जोधपुर कोर्ट के आसपास हजारों लोगों की भीड़ थी, तो ये कहीं ना कहीं इससे यहाँ तक कि वहाँ के वकील भी डरते हैं कि भाईजान की फैन फॉलोइंग कहीं कल को उनके उनको नुकसान न पहुंचा दे। वहाँ के विश्नोई समुदाय जो हैं जिन्होंने काले हिरण के शिकार के खिलाफ शिकायत की थी, वो भी अब धीरे धीरे उनका रुख भी बदलता जा रहा है, क्योंकि 20 तकरीबन 21 साल होने को 1998 में जब हम साथ साथ है कि शूटिंग हो रही थी, उस तब का वाक़या है ये। और इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, इनको कई सारे ग्राउंड हैं उनको राहत देने के, लेकिन सलमान खान मेन अक्यूज थे, उनकी पेशी के लिए लगातार कोशिशें होती रही हैं, लेकिन वो उसका कोई असर नहीं है। अब देखिए ना, निचली अदालत से तो बाकी लोग तो छूटी गए थे, यही तो एक बच्चे हैं, और उसके बाद अब सेशन ट्रायल चल रहा है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, अभी तो पेश ही नहीं हो रहा है। एक चीज़ विजय जी, आपको नहीं लगता है कि बेशक सुप्रीम कोर्ट चाहे बीच बीच में अपना ऑब्जर्वेशन और कमेंट देता है कि बहुत ज़्यादा मुकदमों की वो लग गई है और अंबार लग गया है, ये है वो है, कोर्ट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, अभी 4 जजों की नई नियुक्ति हुई है, यदि लोअर कोर्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ तो और भी स्थिति खराब है, तो टाइम नहीं आ गया है कि टाइम बाउंड जो है केस का डिस्पोजल होना चाहिए? टाइम बाउंड डिस्पोजल है ना, ये तो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है कि साक्ष्य प्रमाण जो सबसे अहम चीज़ होते हैं विचार में, तो उनको भी देख के ये सब किया जाएगा। इसलिए पहले से कानून को अंधा बनाया गया, दिया गया है, कानून अंधा बोला जाता है, और उनको पट्टी भी पहनाया दिया गया है। नहीं, ये इस तरह के तो हो ही सकता है कि जैसे निचली अदालत हर हाल में जो यदि इन धाराओं के तहत ऐसा मामला है तो 3 साल के अंदर डिस्पोजल करे और सेशन ट्रायल जो है 2 साल के अंदर करे, इस तरह का तो किया ही जा सकता है। किया जा सकता है, जैसे 1 साल के लिए अंदर हमें क्लास में पास होना है या फेल होना है, वो डिपेंड करता है। अगर केजी से यूकेजी से एलकेजी के बच्चों के ऊपर हम एक टाइम बाउंड दे सकते हैं, तो जो जज जुडिशियरी सिस्टम है उनके ऊपर भी ये पाबंदी लगना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, रात को 2 बजे भी कोर्ट खुलता है, तो वो केस इतना सेंसिटिव हो जाता है कि रात को 2 बजे तक छुट्टी एक दिन में कोर्ट खोल जाता है, लेकिन कई सारे क्वेश्चन के लोगों केस में लोगों के जूते चप्पल घिस जाते हैं, वो केस खत्म नहीं होता है, मर जाते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं होता है। उनको सनी देओल का वो डायलॉग तारीख पे तारीख याद आता है, तो ऐसा ना हो कि और ये केस अगर और 10-15 साल चले तो सलमान खान तभी बूढ़े हो गए होंगे और उनके ये ग्राउंड पे उनको बोल दिया जाए अभी छोड़ दो, ये हो गया। ऐसा भी हो सकता है, सीबीआई ने जैसे बोफर्स केस को क्लोज कर दिया था, फिर ऐसा होना हो जाए कि ब्लैकबक कोचिंग केस में उसको केस को ही क्लोज कर दिया जाए, क्लोज कर दिया। चलिए देखते हैं, लग तो नहीं रहा है कि इतना जल्दी इसमें डिसीजन हो जाएगा, जिस तरीके से पिछली 2 तारीखों पर डांट पड़ी, इसके बावजूद वो पेश नहीं हुए, अब फिर से जो है 19 दिसंबर डेट पड़ गई है, लगभग जो 2 महीने का अंतराल हो गया है, तो कि कोई इतना जल्दी हो पाएगा? बड़े आदमी हैं, रसूख वाले हैं, अमीर हैं, सब चलता है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं, यदि यही आम आदमी होता तो NWA क्या नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो जाता है, लेकिन वो चूँकि बड़े आदमी है तो कैसे होगा, और उनको बुलाया भी नहीं जाएगा, सिर्फ झिड़की दे करके छोड़ दिया जाएगा, वो भी उनके वकील से कहा जाता है, और वकील से ऐसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि सामने वाला अथॉरिटी है उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये अपनी न्याय व्यवस्था। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा अपडेट कराएंगे, आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इनखबर। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।